अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। Oh, okay.
देते हैं और आप लोगों की मांगे पूरी हो इस दिल्ली सरकार के कानों में जुड़ेंगे और आपको विश्वास दिलाते हैं कि अगर ये नहीं भी मानते हैं तो 2 महीने की बात है और कांग्रेस को ही मैं पूरी सरकार की तरफ से आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि आप लोगों की मांगे पूरी होंगी और पहले महीने में पटवारी संघ की मांगे पूरी की जाएंगी। आप लोग के साथ जो अन्याय हो रहा है आप लोगों को अपनी लड़ाई और ताकत से लड़नी पड़ेगी क्योंकि अन्याय आप लोगों की मांगे पूरी होंगी। ऐसी हम सभी देवास कांग्रेस कमेटी की तरफ से आप लोगों को शुभकामनाएं। जो आपके द्वारा आंदोलन किया जा रहा है आज किस क्रम में पहुंचा है और आज आपके द्वारा किस प्रकार का प्रदर्शन किया जा रहा है? देखिए साथियों, मध्य प्रदेश पटवारी संघ के आह्वान पर पूरे प्रदेश के 19,000 पटवारियों के साथ देवास जिले के भी लगभग सभी 400 पटवारी हड़ताल पे हैं। हमारी हड़ताल पिछले 28 तारीख से शुरू हुई थी और आज अलग अलग क्रम में हमारी हड़ताल का जो आज हमारा 12वां दिन है वो माँ राजराजेश्वरी के शीर्ष चरणों में चुनरी जला करके हम माँ राजराजेश्वरी से प्रार्थना करेंगे कि हमारे प्रदेश के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय को आप आदेशित करें, आप उनसे कहें कि वो हमारे जल्द से जल्द मांग पूर्ति करें। कितने पटवारी आपके इस आंदोलन में शामिल हैं और इस आंदोलन के चलते क्या नुकसान हो रहा है? देखिए, पूरे प्रदेश के पटवारी के साथ साथ देवास जिले का प्रत्येक पटवारी हमारी हड़ताल में हमारे आंदोलन में शामिल है और हम आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं क्योंकि अभी मौसम की बेरुखी है, हमारा किसान साथी, हमारा रात दिन का साथी परेशान है और हमारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है कि जल्द से जल्द तत्काल हमारी मांग, हमारी 2800 रेट की मांग है जो 25 वर्षों से लगातार चली आ रही है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपसे निवेदन है कि हमारी मांग को यथाशीघ्र पूरी करें ताकि हम हमारे जो किसान साथी जो वर्तमान में पानी की कमी के कारण परेशान है उसको जल्द से जल्द काम करें और हमारे किसान साथी के साथ कंधे से कंधे मिलाकर शासन की योजनाओं का क्रियान्वयन करें। अभी आप यहाँ से चुनरी लेकर जा रहे हैं, कहाँ कौन से मंदिर में जाएंगे और कितने पटवारी हैं? देखिए, माँ राजराजेश्वरी, चामुंडा माँ और तुलजा भवानी माँ हमारे देवास की पहचान है और उनके आशीर्वाद से हमारा सब कार्यक्रम चलते हैं। देवास की पहचान हमारी माँ से है। हम आज माँ के चरणों में पूरा देवास जिले के पटवारी साथी यहाँ धरना स्थल से उपस्थित होकर वो विभिन्न मार्गों से होते हुए माँ के धाम जा रहे हैं जहाँ माँ को पूरे देवास जिले के पटवारी चुनरी जलाकर अपनी वेतन मांग की मांग के संबंध में अर्जी लगाएंगे। एक सवाल था कि जैसे आप लोगों की हड़ताल इतने दिनों से चल रही है, लोग परेशान हो रहे हैं, क्या यही विकल्प था, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था? देखिए साथियों, पिछले 6 महीने से हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक अपनी बात पहुँचाई, उनसे कई बार उन्होंने विनय निवेदन किया। कोई मंत्री, कोई सांसद, कोई विधायक ऐसा नहीं है जिसको पटवारी संघ द्वारा ज्ञापन नहीं दिया गया और हमारी मांग के संबंध में अवगत नहीं कराया गया। हमने बहुत प्रयास कर लिए, मुख्यमंत्री महोदय ने हमारे प्रांत अध्यक्ष महोदय को भी बुलाया, उनसे बात की और उनको विश्वास दिलाया कि जिस प्रकार से अन्य कर्मचारी साथियों को बुलाकर उनकी मांग पूरी कर रहा हूँ बहुत जल्दी पटवारियों की मांग भी पूरी करूंगा। लेकिन विधानसभा चुनाव पर भी इसका बहुत प्रभाव पड़ेगा। देखिए, आप सब लोग जानते हैं कि पटवारी जमीन से जुड़ा हुआ कर्मचारी है और प्रत्येक किसान गरीब मजदूर के साथ काम करता है। निश्चित रूप से ये बताने की आवश्यकता नहीं है, जो कर्मचारी गरीब मजदूर और किसान से जुड़ा हुआ है यदि उसको इस बार भी सरकार के द्वारा धोखा दिया जाता है या उसकी मांग पूरी नहीं की जाती है तो आने वाले विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं इसके दुष्परिणाम सरकार को भुगतने पड़ेंगे। आपका नाम? भैया क्वेश्चन है,